हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल उड़ता पैसा। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित ठाकुर, और आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं उसका नाम है व्हाट आर स्टार रेटिंग। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूले, ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आता है वो आपको अपडेट रहे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और आज हम इस टॉपिक में क्या जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर स्टार रेटिंग्स। दोस्तों, इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हुए कवर करेंगे कि स्टार रेटिंग होती क्या है, स्टार रेटिंग डिसाइड कैसे होती है, उसके बाद बात करेंगे कि अगर हमें स्टार रेटिंग के बेसिस पे ही अपने म्यूचुअल फंड बाय या सेल करने हो तो क्या हम कर सकते हैं, और चौथा पॉइंट जो हम इस पे डिस्कस करेंगे वो है मिथ स्टार रेटिंग के बारे में, क्या क्या मिथ है मार्केट में। और एंड में दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर आपने उस क्वेश्चन का हमें सही सही जवाब दिया तो मैं आपका पोर्टफोलियो फ्री में डिजाइन करूंगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारे टॉपिक की तरफ, व्हाट आर स्टार रेटिंग्स। तो दोस्तों, हमने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट इसे यूज करती हैं, हर जगह पे जहां पे भी हम म्यूचुअल फंड बाय करने जाते हैं वहां पे उस म्यूचुअल फंड की रेटिंग दी होती है स्टार में, दिखाया जाता है। कभी वो फंड 4 स्टार है, कभी वो फंड 5 स्टार है। ये फंड होते क्या है और इनको ये स्टार रेटिंग मिलती कैसे है? तो कोई भी म्यूचुअल फंड जो अच्छा परफॉर्म करता है उसके बेसिस पे उसे स्टार रेटिंग दे दी जाती है, ये हमारा मानना है। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, और उन कैटेगरीज में जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं उन म्यूचुअल फंड के रिस्क एबिलिटी बाय देयर रिटर्न एबिलिटी पे मैयर किया जाता है, और उसके बेसिस पे उन्हें स्टार रेटिंग दी जाती है। अब दोस्तों, स्टार रेटिंग जब दी जाती है तो हम बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलता है किसी फंड की रेटिंग स्टार 5 है, किसी फंड की रेटिंग स्टार 3 है। अब ये रेटिंग बहुत फ्रीक्वेंटली अप डाउन भी होती रहती हैं। जब अभी पीछे सेबी ने म्यूचुअल फंड का कैटेगराइजेशन किया तो बहुत से फंड की रेटिंग्स चेंज हो गई। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इस पर सबसे पहली चीज हमें जो समझने की जरूरत है वो ये है कि एक कैटेगरी में कितने फंड्स आते हैं उसके बेसिस पे भी स्टार रेटिंग पे फर्क पड़ जाता है, ना कि सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। दोस्तों, जितने ज्यादा म्यूचुअल फंड उस कैटेगरी में आते चले जाएंगे उसकी स्टार रेटिंग में उतना ही फर्क आता चला जाएगा। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के स्टार रेटिंग मिलनी ही मिलनी है, बेसिस उसमें कितने फंड्स हैं। अब दोस्तों, यहां पे हम बात करते हैं, हमारा एक फंड है आईसीआईसी ब्लू चिप फंड। तो दोस्तों, ये जो हमारा आईसीआईसी ब्लू चिप फंड है, इसे लॉन्च हुए 9 साल हो चुके हैं। उन 9 सालों में से 6 साल ये फंड लगातार 4 और 5 स्टार रेटिंग में रहा है। तो क्या ये फंड अच्छा है, क्या ये फंड बुरा है, हम इसे डिसाइड कैसे करेंगे, ये हम आगे अपने वीडियो में धीरे धीरे जानेंगे और इस चीज के बारे में और क्लियरिटी लाएंगे। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है स्टार रेटिंग का। अगर आप स्टार रेटिंग में से फंड चूज करना चाहते हैं, सिर्फ 1 साल की या 6 महीने की या 3 महीने की स्टार रेटिंग के बेसिस पे अपने फंड को चूज ना करें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टार रेटिंग को ही ध्यान में रखते हैं अपने फंड्स को चूज करने के लिए, तो चलिए दोस्तों, अपने अगले पॉइंट की तरफ आते हैं कि हाउ स्टार रेटिंग्स आर गिवन टू द फंड्स। तो दोस्तों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो स्टार रेटिंग में देखी जाती है वो है क्वांटिटेटिव रेटिंग है ये, बेस्ड ऑन देयर रिटर्न्स। तो दोस्तों, यहां पे हमारे फंड की परफॉर्मेंस को उस फंड की रिस्क टेकिंग एपेटाइट से कंसीडर करके वो फंड की रेटिंग डिसाइड होती है, डिपेंडिंग अपॉन उस कैटेगरी में कितने फंड है और उसकी रिटर्न कैसी आ रही है। चलिए दोस्तों, इसमें अब एक और चीज जो हमें जानने वाली है वो ये है कि मान लीजिए, एक इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं
और 40 के 40 बच्चे फेल हो जाते हैं, तब भी एक बच्चे या 10 बच्चों को स्टार रेटिंग जरूर आएगी, बिकॉज कंपैरेटिव एनालिसिस से एक बच्चा कम मार्क्स से फेल होता है और एक बच्चा ज्यादा मार्क्स से फेल होता है। तो दोस्तों, कोई भी स्टार रेटिंग उस फंड की एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं बताती है। तो यहां पे हमारा कहने का ये मतलब था कि अगर हमारी कैटेगरी में 10 फंड हैं और सारे के सारे फंड नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, तब भी उनमें से कुछ फंड्स को 5 स्टार रेटिंग जरूर मिलेगी, बिकॉज कंपैरेटिवली उन्होंने कम डेप्रिसिएशन या कम लॉस दिया है कंपैरिजन विद अदर फंड्स इन द सेम कैटेगरी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इससे हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो स्टार रेटिंग है वो एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है आपके फंड सिलेक्शन के लिए। स्टार रेटिंग के अलावा भी आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान देना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि स्टार रेटिंग जब डिसाइड होती है तो इसमें यही चीज का ध्यान रखा जाता है कि एक फंड कम से कम रिस्क लेते हुए हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है, उसके बेसिस पे उसकी रेटिंग अप या डाउन की जाती है। तो स्टार रेटिंग बहुत फ्रीक्वेंटली अप या डाउन भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन अगर फंड मैनेजर ये डिसाइड करता है कि उसे अपने फंड की परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है और मार्केट सिनेरियो को देखते हुए उसे थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। तो जैसे ही वो फंड अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस लाएगा, उसकी स्टार रेटिंग गिर सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सिलेक्शन ऑफ फंड खराब हो गई है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और किस चीज से आपकी स्टार रेटिंग को फर्क पड़ जाएगा। तो जो अगली चीज है जिससे आपकी स्टार रेटिंग को फर्क पड़ जाएगा वो है कि अगर उस कैटेगरी में फंड इंक्रीज कर जाते हैं, अगर आपकी सेम कैटेगरी के अंदर फंड इंक्रीज करते हैं तो भी आपके फंड की कैटेगराइजेशन और उसकी स्टार रेटिंग में फर्क आ जाता है। यानी कि जैसे कि सेबी ने अभी म्यूचुअल फंड में कैटेगराइजेशन की है, उससे बहुत सारे फंड बैलेंस फंड कैटेगरी में आ गए हैं या फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में चढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से हमारे फंड्स की रेटिंग में बहुत ही डिफरेंस आया है। चलिए दोस्तों, अब जो इस टॉपिक की आज हमारी मेन बात है उस पे आते हैं। तो मेन बात यह है, क्या स्टार रेटिंग के बेसिस पे हम अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं, हम अपने म्यूचुअल फंड बाय और सेल के टाइमिंग को डिसाइड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। ब्रॉडली आप उस चीज को डिजाइन कर सकते हैं, और अगर आप पोर्टफोलियो को इन डेप्थ इतना एनालिसिस नहीं करते हैं तो ओवरऑल अगर आप जजमेंट करें तो आप किसी तरीके से अपने पोर्टफोलियो को ठीक से मैनेज भी कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी दोस्तों आप फंड परचेज करने की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप 4 और 5 स्टार रेटिंग के फंड्स को ही परचेज करें। लेकिन जो पॉइंट यहां पे ध्यान देने वाला है वो ये है कि जब भी आप 4 और 5 कैटेगरी के फंड्स को परचेज कर रहे हैं तो उनकी ओवर अ ईयर रेटिंग को ना देखते हुए उनकी 5 साल की स्टार रेटिंग्स को चेक करें और उसके बेसिस पे ही उस फंड को सिलेक्ट करें अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, जब भी आपके किसी भी फंड की रेटिंग 3 या उससे बिलो आ जाती है तब आपको वो फंड बेचने का टाइम आ जाता है और आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको उस फंड को निकालना है। अब कब निकालना है ये आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपके फंड की परफॉर्मेंस का। अब दोस्तों, जो इस सिलेक्शन प्रोसीजर जो जिसके बारे में हमने अभी बात की, इसके नेगेटिव भी है कुछ साथ में। उन नेगेटिव की बात करते हैं कि हम क्या करते हैं, जब भी हम 4 और 5 स्टार रेटिंग के फंड ले लेते हैं लेकिन फ्यूचर में जाते हुए अगर उनकी रेटिंग नीचे गिर जाती है तो हम उन फंड को तो वहीं पड़े रहने देते हैं और अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए नए 4 और 5 स्टार रेटिंग फंड बाय कर लेते हैं। दोस्तों, ये ठीक नहीं है। अगर एक फंड की रेटिंग नीचे आ रही है तो आपको अपने पुराने फंड्स भी बेचने पड़ेंगे। चलिए, इसी में हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि
तब क्या होगा जब हमने अभी अभी किसी फंड को परचेज किया है और उसकी रेटिंग 4 और 5 से गिर के 3 पे आ गई है, बिकॉज कैटेगरी चेंज होने से भी, जैसे हमने पहले बात की थी, कैटेगरी चेंज होने से भी इमीडिएटली स्टार रेटिंग डाउन आ सकती है, एंड दैट टू फ्रॉम 5 टू ड्रॉप डाउन टू स्ट्रेट अवे 2, ऐसा भी देखा गया है। तब हमें क्या करना चाहिए? और एक और सवाल आता है कि अगर हम स्टार रेटिंग के बेसिस पे अपने फंड को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें कितने ऑफन ये रेटिंग्स को चेक करना चाहिए? 6 months, 1 yearly, 3 months, 2 year, 3 year, 4 years, ये सारे क्वेश्चंस इसके साथ रहेंगे। दोस्तों इसके जवाब बहुत ही सब्जेक्टिव हो सकते हैं, बट आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास उन फंड्स का पास्ट एनालिसिस होना चाहिए, तभी आप इनके क्वेश्चंस को ठीक से आंसर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो था एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव की स्टार रेटिंग के बेसिस पे हम फंड्स को बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इसमें एक और चीज जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे वो है मिथ। जब हम स्टार रेटिंग के फंड्स खरीदते हैं तो सबसे बड़े मिथ हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या प्रिवेल कर रहे हैं? दोस्तों इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मिथ है कि हम साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं रादर देन एक्चुअल बेनिफिट्स की तरफ। इसका मतलब ये है कि हम जो अपनी बाइंग है, जो जब हमें म्यूचुअल फंड बाय करना चाहिए, उसको मार्केट के अप्स एंड डाउन पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन उस फंड की पीई के ऊपर। दोस्तों हम जब भी म्यूचुअल फंड बाय या सेल करने की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि मार्केट अब ऊपर जा रही है तो म्यूचुअल फंड बेच दो और प्रॉफिट बुक कर लो, और जब मार्केट नीचे आ रही है तो म्यूचुअल फंड खरीद लो, रादर देन हमारा म्यूचुअल फंड है, हमारी मार्केट नहीं है। दोस्तों अगर हमें म्यूचुअल फंड खरीदना है तो हमें उसकी पीई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और भी बहुत सारे एरियाज हैं जिनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे उसका अल्फा है, बीटा है, इन सारी चीजों को चेक करना चाहिए। लेकिन जब हम स्टार रेटिंग्स को देख के फंड्स को खरीदते हैं तो ये कुछ मिथ्स है जो हमारे दिमाग में चलते हैं फंड्स के लिए। दोस्तों आइए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट है, हम जब भी म्यूचुअल फंड को, आज तक हमारी इंडस्ट्री में ये देखा जा रहा है कि जब भी हम म्यूचुअल फंड बाइंग की तरफ बढ़ते हैं तो हम म्यूचुअल फंड को एक LIC की तरह खरीदते हैं, जिसको भी हम कभी भी बेचना नहीं चाहते। दोस्तों मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड आपकी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, और ऐसी इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न ना दे रही हो उसे बेच देना चाहिए, उसे रखना नहीं चाहिए। तो आप प्लीज म्यूचुअल फंड को इंश्योरेंस पॉलिसीज की तरह मत यूज करें। अगर वो फंड रिटर्न नहीं दे रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है तो उन्हें बेच दीजिए, प्रोवाइडेड उनकी स्टार रेटिंग और एनालिसिस आप उस फंड के लिए कर रहे हो। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है, हम म्यूचुअल फंड को खरीदते टाइम टैक्स का वरी ज्यादा करते हैं रादर देन उनकी रिटर्न्स का। दोस्तों अगर आप पैसा कमाओगे तो टैक्स तो कटेगा ही, लेकिन अगर आपका फंड परफॉर्म नहीं करेगा तो वो ज्यादा लॉस है। टाइम लॉस इज मनी लॉस। तो इन चीजों को, कुछ ये मिथ है मार्केट के कि हमारे फंड को हमें लॉन्ग टर्म रखना चाहिए तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से बच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएंगे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आते हुए आपके फंड ने परफॉर्म ही नहीं किया तब आप क्या करेंगे? दोस्तों इन कुछ चीजों का ध्यान रखिए। स्टार रेटिंग आपको हेल्प करती है लेकिन वो एक कंक्रीट फुल प्रूफ मेथड नहीं है किसी भी फंड को चूज करने का। आप कर सकते हैं बट उसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जिनको दूर करने के लिए आपको इंडस्ट्री का बहुत सारा नॉलेज गेन करना पड़ेगा। सो मैं यही कहूंगा कि जब भी आप किसी फंड को सिलेक्ट करते हैं स्टार रेटिंग के साथ साथ और भी 2-4 चीजों का ध्यान रखें, जैसे उसकी पी रेशो, उसका अल्फा क्या चल रहा है, उसका बीटा क्या चल रहा है, फंड का पास्ट ट्रेंड क्या है, और पास्ट 3-4-5 साल की उसकी स्टार रेटिंग क्या है। तो चलिए दोस्तों ये तो था हमारा स्टार रेटिंग के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा आपके साथ नॉलेज शेयर, सो दैट आपको भी फंड सिलेक्शन करने में आसानी हो। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का क्वेश्चन ये है कि एक फंड, हमने एक फंड चूज किया है जिसका पूरे 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड में उसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है,
यानी कि अगर वो निफ्टी 50 है तो वो निफ्टी 50 को बीट कर रहा है, अगर वो निफ्टी नेक्स्ट 50 है तो वो निफ्टी नेक्स्ट 50 को बीट कर रहा है, जो भी उसका इंडेक्स है उसने उसको लगातार बीट किया है। लेकिन दोस्तों जो उसकी मैक्सिमम रिटर्न आई है वो पहले 2 साल में ही आई है, उसके बाद अगले 5 साल तक हमारे 7 सालों में से 2 साल ही उस फंड ने पहले 2 साल सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है, उसके बाद अगले 5 सालों तक उस फंड ने परफॉर्म नहीं किया है। तो दोस्तों अब आप यहां पे क्या डिसीजन लेंगे, आप इस फंड को अपने पास रखेंगे या निकाल देंगे, या इस फंड में इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर देंगे लेकिन अपने फंड्स को यहीं रखेंगे और नए फंड्स को किसी और अच्छे बेटर प्रोस्पेक्टिव स्टार रेटेड फंड में लगाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए तो मैं आपका पोर्टफोलियो जरूर बनाऊंगा, एंड दैट टू फॉर फ्री। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज का वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, हमें उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमें कॉन्टेक्ट करना चाहें तो आप हमें फेसबुक, ट्विटर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज लिख के हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कॉन्टेक्ट करें तो प्लीज नीचे दिए हुए लिंक में अपनी डिटेल्स डालें सो दैट हम आपको कॉल कर सकें। थैंक यू।